Hello, how are you all? This is Aarti Malpani from TomKids. So welcome to the series, How We Can Improve the Behavior of Kids. So हमने पॉइंट सिस्टम का बात किया, हमने इग्नोरिंग एंड अटेंशन का बात किया. तो ये सारे सिस्टम जो मैं अभी बात कर रही ना, इट्स बिट टाइम कंज्यूमिंग एंड इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, राइट? बट कई बार ऐसी सिचुएशन आती है हमको कि जहाँ हमको इंस्टेंट सोल्यूशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, कि जब बच्चे ओवरवेलम हो जाते हैं या बच्चे रेस्टलेस हो जाते हैं कोई भी चीज़ को लेकर, उनके फ्रेंड्स को लेकर, या उनकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं मिल रही है, या छोटी मोटी चीज़ पर. जनरली यंग किड्स और टीनेजर्स में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और ऐसे वक्त क्या होता है ना कि उनको पेन में देखकर हम भी रेस्टलेस हो जाते हैं. हमको लगता है कि कुछ तो ये बात करे, तो हम कंटिन्यूस बोलने लगते हैं, क्या हुआ बता दो, हम सॉल्यूशन निकालेंगे, बात करेंगे बैठ के, एंड ब्ला ब्ला. बट ये कुछ भी उन पे काम नहीं आता है, वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है वो, और वो आपसे बात करने की सिचुएशन में नहीं रहते और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, राइट? ऐसे में सॉल्यूशन ये है कि बच्चों को टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए बच्चों को, सो दैट उनके जो वो सारे ओवर एक्टिंग या जो भी सारे बाहर इमोशंस निकल के आए हैं, उनको सेट होने में, उनको मैनेज होने में थोड़ा सा टाइम चाहिए उनको, कि जहाँ वो कुछ भी नहीं करें. सो इस चीज़ के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा टेक्निक, बहुत अच्छा टूल मेरे पास है, एंड दैट इज नथिंग बट द ग्लिटर जार. इसको ग्लिटर जार या इसको माइंडफुलनेस जार भी बोलते हैं, कि ये जहाँ पे बच्चे बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, सिंपली हमको क्या करना है ना कि इस ग्लिटर जार को एक बार शेक कर देना है और बच्चों के सामने रख देना है. सी यू कैन लुक कि ये ग्लिटर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है. नाउ आपको बच्चों के सामने ही रख के उनको बोलना है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस जार को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही देखते रहना है जब तक कि ये सारा ग्लिटर नीचे सेट नहीं हो जाता. आप चाहो तो बच्चों के साथ आप खुद भी बैठ सकते हो और उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये जो ग्लिटर ऊपर है, ये सारे आपके थॉट्स, आपके इमोशंस हैं. सो जैसे आप उनको थोड़ा सा टाइम दोगे ना, कि सारे इमोशंस अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगे और बच्चे अपने इमोशंस अच्छे से मैनेज करना, अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाएंगे. आप इसको यूज़ करते रहिए और रिजल्ट्स खुद देखिए. मैंने ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मेरे पास बना के रखे हैं ये चार. इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि मेरा भी बेटा जो पीए करता है, तो मैं उसके सामने एक जार रख देती हूँ. उसके अलावा हम इन जार को बच्चों के मेडिटेशन के लिए भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, कि उनके सामने रख के उनको बोलना है टेक अ डीप ब्रीथ और कुछ नहीं सोचना है, बस इसको देखते रहना है कि जब तक ये सेट हो. तो बच्चे वो थोड़ा टाइम के लिए वैसे बैठना बिना कुछ सोचे वो सीख जाते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जार कैसे बनाना है और इसको मेडिटेशन में कैसे यूज़ करना है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, मैंने दोनों पे वीडियो बना रखे है. सो ये जार एक बहुत बहुत अच्छा टेक्निक है जब भी ऐसी सिचुएशन हमारे साथ आती है कि जहां हमको समझ नहीं आता है कि इंस्टेंट सॉल्यूशन क्या मिलेगा. सो होता यह है ना कि सिर्फ टाइम चाहिए होता है बच्चों को, अपने आप सारी चीज़ें वो समझ जाते हैं. ये हमारे साथ भी बहुत बार होता है, और इनफैक्ट ये जार आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो. मैं भी कई बार इन जार को यूज़ करती हूँ, जब भी मैं ऐसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थोड़ा सा फील करती हूँ तो मैं भी इसके सामने बैठ जाती हूँ, एंड आई फील रियली रियली वेरी गुड. सो आप भी ट्राई कीजिए इस जार को अपने लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए. सो ट्राई दिस माइंडफुल मेडिटेशन, एक बहुत अच्छा टेक्निक है, और इसके रिजल्ट आप खुद देखिए. थैंक यू सो मच.